राधे राधे हरी बोल। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हो। इधर अभी सब कुछ बढ़िया है। तो काफ़ी दिनों बाद मैं घर से इंट्रो शूट कर रहा हूँ, और पिछले 3 सालों में मैंने वहाँ से कई बार क्रॉस किया, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और आज जैसे ही मेरे को पता चला है तो फटाफट से चलते हैं और वहाँ पे विजिट करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो पटना का भूतिया महल है, और मेरे को तो इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं। तो फटाफट से चलते हैं और वहाँ पहुँचते हैं, बाकी बातें वहीं पे करेंगे। और आप भी चलिए हमारे साथ। और वहाँ का प्लेस काफ़ी सुंदर है, ऐसा वीडियो में मैंने देखा है। तो पहली बार मैं वैसा प्लेस को एक्सप्लोर करने वाला हूँ, तो आप भी चलिए मेरे साथ और जुड़े रहिए। न्यू होते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यह पटना का डाक बंगला चौराहा है, और यहाँ से राइट मुड़ेंगे स्टेशन की ओर। सामने से महल का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ ऐसा दिखता है। और अभी तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा, अभी बाहर ही रास्ते ढूंढता हूँ सीढ़ियाँ वगैरह ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके के भाई, काफ़ी पुराने और फुल हंटेड प्लेस एरिया लग रहा है भाई। तो फटाफट से इसकी सीढ़ियाँ ढूंढते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या निशान बने हुए, पूरी खाली खाली है भाई। देख सकते हैं बाहर से महल कुछ इस तरीके का दिखता है, जो कि आप देख सकते हैं इस तरह से पिक्चरें बनी हुई हैं। और अभी हम यहाँ से अंदर जाएंगे तो देख सकते हैं सीढ़ियाँ काफ़ी ऐसी हैं नौदार, और ऊपर से अंधेरा टाइप का भी है। देख सकते हैं आप यहाँ पे घुमादार सीढ़ियाँ भाई, डर भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे मोबाइल निकल कर फ्लैश चला लेते हैं। यहाँ पे भी हमने फ्लैश चला लिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग जा रहे हैं अभी ऊपर, ओनली फॉर मैं अकेला हूँ अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ। देख सकते हैं इस खिड़की से बाहर का कुछ ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है। ऊपर में भी देख सकते हैं कितनी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, और सीढ़ियाँ भी काफ़ी टूटी हुई हैं। अभी देख सकते हैं यहाँ से पॉइंट ऑफ व्यू कुछ ऐसा है, और मैं ऊपर टॉप में आ गया हूँ, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। आसपास का लोकेशन भी देख सकते हैं। वैसे ये आया था इस वाले पोर्शन से, इस वाले सीढ़ियों का कुछ इस तरीके का है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अभी ऊपर का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ ऐसा है, देख सकते हैं आप, काफ़ी पुराने हैं, अभी पुरानी बिल्डिंग है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से नीचे की ओर देखते हैं, नीचे देख सकते हैं काफ़ी ही प्योर भूतिया महल की, एकदम 100% भूतिया महल की तरह लग रहा है। देख सकते हैं बिल्डिंग टूटी हुई, गेट कबरे हुए, पुराने पुराने दीवार झरे हुए, सीढ़ियाँ वहाँ पे देख सकते हैं नीचे में, काफ़ी नीचे में अंधेरा है। उस वाले रूम में भी काफ़ी अंधेरा है, देख सकते हैं वहाँ पे काफ़ी, इस वाले रूम में भी अंधेरा है। और अभी दोपहर का समय है, देख सकते हैं कितना ही ज़्यादा अंधेरा है। हम लोग ऊपर में आ चुका है, अभी मैं ऊपर में आ चुका हूँ। जैसा कि ये ब्रिजवान पैलेस है, ब्रिजवान महल भी इसको बोल सकते हैं, इसको यार हेरिटेज में घोषित कर देना चाहिए था। मंजिल का है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पहली मंजिल का है, यहाँ पे ये पहली मंजिल का है।
गेट से हम इसी गेट से मैं ऊपर आया हूँ। यहाँ का देख सकते हैं आसपास का पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है, पूरा फुल डरावना लग रहा है भाई। शाम के 4 बज चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बिल्डिंगें काफ़ी खाली खाली है, फुल हंटेड प्लेस है भाई। पहले को मकान को ऐसे ही ढाला दिया जाता था लोहे के रेड लगा कर वहाँ पे, और बड़ी बड़ी पतली पतली 3 इंची वाली ईंटें होती थी। देख सकते सीढ़ियाँ भी टूटी टूटी हैं काफ़ी ज़्यादा। हम यहाँ से अब नीचे की ओर उतर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई काफ़ी अकेले हूँ ना, थोड़ा थोड़ा लग भी रहा है भाई। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे गेट को बंद कर दिया गया है ईंटों के द्वारा, और यहाँ से अंधेरा काफ़ी ज़्यादा, नीचे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। फटाफट से मोबाइल का फ्लैश जलाता हूँ और चलता हूँ। तो भाई साहब को तो ये अंधेरा हो रखा है, देख सकते हैं ज़्यादा अंधेरा हो रखा है। जैसे जैसे नीचे आ रहा हूँ वैसे वैसे लाइट आनी शुरू हो गई है, और यहाँ से देख सकते हैं ये पीछे की ओर पॉइंट निकल जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसी सीढ़ियों से हम ऊपर गए थे। कांड हो गया है, हमारी स्कूटी की चाबी गिर गई लगती ऊपर में, फिर से हमको जाना पड़ेगा ऊपर। हमारी चप्पलों की आँख सो सकते हैं, काफी ज्यादा अंधेरा है भाई, कुछ दिख नहीं रहा है भाई। बार बार फोन चला, फिर से ऊपर आ गया हूँ भाई। यहीं पे तो मैंने खड़ा हुआ था, हेलमेट रखा था, देखते हैं। हाँ देखिए भाई, यहाँ पे हमारी स्कूटी की चाबी मिल गई। यार नीचे में काफ़ी अंधेरा है, बार बार आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, बट कोई नहीं, इस बार लास्ट है। फटाफट से नीचे चलते हैं, अपनी स्कूटी निकालते हैं। यहाँ पे देख ही सकते कितना ही ज़्यादा अंधेरा है। देख सकते हैं पूरी खाली खाली है बिल्डिंग, ये देख सकते हैं पूरी ही ज्यादा खाली है, पूरी ही ज्यादा। बाहर से एंट्रेंस कुछ ऐसा है फर्स्ट फ्लोर का, यहाँ पे हमने फोन का फ्लैश जला लिया, देख सकते हैं सीढ़ियाँ काफी ज्यादा खड़ी है और काफी ज्यादा ड्रावनी भी है। बाहर कुछ ऐसा दिखता है, सब पीछे का एरिया कुछ ऐसा दिखता है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट